नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां जिले में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए अवैध हथियारों को बनाने और उसे बेचने वाले बदमाशों को लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की कोतवाली निघासन पुलिस ने गन्ने के खेत में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री सहित दो शातिर बदमाशों को रंगे हाथ असलाह बनाते वक्त अपनी हिरासत में लिया। वहीं एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले में एसपी लखीमपुर ने जानकारी दी, खुलासा किया। वहीं टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। बीती रात में थाना निघासन पुलिस को एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि ग्राम दीनपुरवा के खेतों में एक गैंग द्वारा अवैध असलों का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की गई और मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनका एक साथी रात का फायदा उठा के और टोपोग्राफी का फायदा उठा के फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम में प्रयासरत है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही वो गिरफ्तार भी हो जाएगा। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा संख्या में अवैध असले बरामद हुए हैं, जो इन लोगों ने बनाए थे, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में अर्धनिर्मित असले भी बरामद हुए हैं, टूल्स बरामद हुए हैं, और जो भी बाकी साजो सामान ये इस्तेमाल करते हैं वो सब बरामद हुआ है। पूर्व में भी इन दोनों अभियुक्तों को, जो कि आपस में पिता पुत्र हैं, इनके ऊपर इस आर्म्स एक्ट संबंधी काफ़ी सारे मुकदमे हैं। आसपास के जिलों से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वहाँ पर भी इनके कोई आपराधिक इतिहास होगा। और जो टीम है जिसने ये इनको पकड़ा है और इस पूरे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का जो रिकवरी की है, उसको मेरे द्वारा 10,000 रुपये पुरस्कार दिया गया है।